स्वीटी घर के काम करने में बहुत ही माहिर है। घर तो घर, बाजार का भी सारा काम स्वीटी खुद ही करती है। एक रोज स्वीटी की सास मिथिला उससे कहती है, अरे पिछले जन्म में ना मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली। मम्मी जी आप भी ना, अब आपके जैसी सास भी ना बहुत किस्मत से मिलती है। अरे बस अब पंकज की बहू भी तेरे जैसी कोई मिल जाए तो मैं तो बस चारधाम यात्रा पे चली जाऊंगी। अरे क्यों चिंता करती हो मम्मी जी, सब अच्छा ही होगा। अरे बहू मैं तुझे ना बार बार बताना भूल जा रही हूँ, कल ना गांव से कुछ औरतें आ रही हैं, तू उनके आने से पहले ही ना सब काम सिलटा लेना। स्वीटी अगले दिन रोज से जल्दी 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई कर लेती है और फिर नहा धोकर 7 बजे तक खाना भी बना लेती है। 8 बजे गांव की कुछ औरतें मिथिला के घर पहुंचती हैं। निर्मला क्या बात है, इस उम्र में भी इतनी फुर्ती, इतनी सुबह सुबह घर का सारा काम कर लिया। मेरे तो ना घुटने ही जवाब दे गए हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। इतनी मुश्किल से ना मैंने प्लेटफॉर्म पार किया है, वो भी घर से 3 बार मालिश करने के बाद। अरे नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरी फुर्तीली बहू स्वीटी की करामात है। मेरे तो घुटने पहले ही टूटे पड़े हैं। अरे तेरे तो नसीब ही खुल गए निर्मला, भगवान मुझे भी ऐसी बहू दे दे। इतने में स्वीटी सबके लिए चाय नाश्ता ले आती है और गांव से आए हुए कुछ लोगों में शारदा चुपचाप देख रही होती है। फिर मन ही मन वो सोचती है, अरे रुचि काम काजी लड़की है, उसके शरीर में बहुत फुर्ती है, सारा काम तो वो अकेले ही कर लेती है। मेरी रुचि के लिए इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा जहाँ वो आराम से बैठकर खाएगी। अपनी खोटी रुचि को यहाँ चला देती हूँ। हे प्रभु तेरी भी कैसी माया है, इधर उधर लड़के देखकर चप्पलें घिस रही थी और लड़का यहीं बैठा है। तभी मिथिला शारदा को हिलाते हुए कहती है, अरे क्या हुआ शारदा, कहाँ खो गई, इतनी देर से कुछ बोल भी नहीं रही, कोई बात है तो मुझे बता। इसी मौके की तो तलाश थी, शारदा वो मन ही मन कहती है, अरे चल शारदा अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाने का वक्त आ गया है, मेरी रुचि तो इस घर में ही आएगी और स्वीटी बनेगी उसकी काम वाली। अरे क्या हुआ बोल भी। मुंह लटका कर शारदा कहती है, अब तुझसे क्या छुपाना, तू तो जानती है ना रुचि मेरी इकलौती संतान है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मेरी सारी मुसीबत खत्म हो जाए। मैंने इतने रिश्ते देख लिए मेरी रुचि के लिए पर एक भी लड़का नहीं मिला मुझे। अब तू ही बता, जवान बेटी घर पर बैठी हो तो एक माँ पर क्या गुजरती है। अरे तू चिंता क्यों करती है, मेरा पंकज है ना, मैं भी पंकज के लिए लड़की देख रही हूँ, तुझे तो कोई आपत्ति नहीं है ना। अरे तू मेरी रुचि के लिए गलत थोड़ी ना सोचेगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रुचि और पंकज का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की हो जाती है शादी। स्वीटी रुचि को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है और कहती है, रुचि तुम अभी नई हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके सब सीख जाओगी। स्वीटी के कमरे से जाते ही रुचि कहती है, यार ये लड़की तो गजब है, इसको चैन नहीं है क्या, 2 मिनट में ऊपर तो 2 मिनट में नीचे, पैर में जैसे पहिए लगे हों, इतनी फुर्ती से काम करती है, इसी तरह से ये काम करती रही तो मैं तो सबकी नजरों में बुरी बन जाऊंगी, मुझे तो एक ग्लास भी ढंग से नहीं उठाना आता। अगले दिन रुचि की पहली रसोई होती है। रुचि रसोई में नाश्ता बनाने जाती है और 12 बजे तक भी नाश्ता तैयार नहीं होता। भूख से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अभी तक भाभी 4 बार खाना बना चुकी होती। बहू अब क्या दोपहर का खाना और नाश्ता एक साथ मिलेगा। मैं देखती हूँ मम्मी जी। स्वीटी रसोई में जाती है और आश्चर्य में पड़ जाती है, तुमने 4 घंटे में बस आलू उबाले हैं, इस तरह से तुम रात तक भी खाना नहीं बना पाओगी, हटो तुम
मैं बनाती हूँ। स्वीटी झटपट खाना तैयार करती है और सभी को परोसती है। रुचि, तुम्हारे भरोसे रहते तो आज हम भूखे ही रह जाते। अरे पहली रसोई का नियम ही बिगाड़ दिया तूने। बनाया जिसने है नेक भी उसे ही मिलेगा। मिथिला अपने पर्स से पैसे निकाल कर स्वीटी को दे देती है और ये देखकर रुचि के दिल में लग जाती है आग। इस फुर्तीली मुर्गी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी, इसने मेरे हिस्से का नेक ले लिया। अब स्वीटी दिन भर काम करती और रुचि बिस्तर पर पड़ी रहती। एक रोज स्वीटी अचार बनाने के लिए मिर्च छत पर सुखा देती है और रुचि को मिल जाता है मौका स्वीटी का काम खराब करने का। रुचि मिर्ची में पानी डाल देती है और जिससे मिर्ची सड़ जाती है। मिथिला स्वीटी से कहती है, अरे स्वीटी ये क्या है, अचार ऐसे बनाते हैं क्या? तुम भी रुचि की तरह ढील देने लगी हो। अरे ये मिर्चियाँ सड़ गई हैं। लेकिन मम्मी जी, मैंने अपने हाथों से इन मिर्चियों को अच्छे से पोंछा था, ये कैसे हो सकता है? स्वीटी इतना सोच ही रही होती है कि अंकित उसे आवाज देता है, स्वीटी मेरी शर्ट आयरन कर दो, मुझे ऑफिस निकलना है। जी अभी आई। स्वीटी एक सेकंड में छत से कमरे में आ जाती है और शर्ट पर आयरन कर देती है। उसी वक्त मौका पाकर रुचि शर्ट जला देती है और जब अंकित शर्ट पहनने लगता है, स्वीटी ये आयरन किया है, इतनी भी फुर्ती से काम मत किया करो कि काम ही खराब हो जाए। अब क्या पहन कर जाऊंगा, मेरी शर्ट ही जला दी तुमने। अरे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये सब सोच कर स्वीटी सुस्त पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ आगे हो क्या रहा है। अगले दिन पंकज उससे कहता है, भाभी बड़े दिन से आपके हाथ की चाय नहीं पी है। ओ अभी बनाती हूँ देवर जी, आज मैं अच्छे से चाय बनाऊंगी सबके लिए ताकि सब कुछ पहले की तरह सही हो जाए। स्वीटी पूरी फुर्ती से उठती है और रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन रुचि पहले ही दूध में बहुत सारा पानी मिला चुकी थी। स्वीटी चाय बनाकर सबको देती है और चाय पीकर सबका मुंह बन जाता है। अरे बहू इतनी फुर्ती अच्छी बात नहीं है, चाय तो अच्छी बना देती, एक तो इतनी ढीली है कि चार दिन में भी उसे काम ना होता और दूसरी है कि एक मिनट में काम कर तो देती है, वो भी इतना खराब। हे भगवान क्या होगा इस घर का। अगले दिन स्वीटी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। घर की साफ सफाई करके स्वीटी नाश्ता बनाने लगती है। आज एक एक काम मैंने आराम से और अच्छे से 10-10 बार देख कर किया है, अब किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सबके नहाते ही मैं खाना लगा दूंगी। सब कुछ करने के बाद स्वीटी 10 मिनट के लिए कमरे में आराम करने जाती है। बस इतने में ही रुचि दबे पांव आ जाती है रसोई में और नमक मिर्ची खाने में मिला देती है। पर ये सब करते हुए पंकज देख लेता है और चिल्लाकर सबको बुला लेता है, माँ भैया भाभी रसोई में तुरंत आइए। मिथिला स्वीटी अंकित तुरंत रसोई में आते हैं और रुचि के हाथ में नमक मिर्ची के डिब्बे देख लेते हैं। माँ ये सब रुचि कर रही थी भाभी को नीचा दिखाने के लिए, हम सबकी नजरों में गिराने के लिए, खुद तो ढीलन है ऊपर से दूसरों का काम भी खराब करती है। भाभी बेचारी पूरा दिन इतने मन से काम करती हैं और ये उसे खराब कर देती है। अरे मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था ये सब रुचि के आने के बाद होने लगा है, वरना मेरी स्वीटी तो हमेशा इतनी फुर्ती से काम करती है और वो भी एक नंबर का। शारदा झूठी, वैसे ही उसकी बेटी निकम्मी एक नंबर की। तुम काम चोरी करती थी वो तो मुझे मंजूर था, लेकिन ये सब करके तुमने मेरा सबर ही तोड़ दिया, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पंकज रुचि को घर से निकाल देता है और वापस से स्वीटी सबकी लाडली बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।